चंद घंटों के अंदर दो अलग अलग मुठभेड़ों में दो इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। बरेली पुलिस इन दिनों ऑपरेशन क्लीन चला रही है। इसी ऑपरेशन के तहत आज पुलिस ने चंद घंटों के अंदर दो अलग अलग मुठभेड़ों में दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिस वजह से दोनों का जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल में भर्ती यही वो दोनों इनामी बदमाश है जिन्हें पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी अभिनंदन सिंह ने बताया कि पुलिस इन दिनों ऑपरेशन क्लीन चला रही है, जिसके तहत पुलिस बदमाशों की धरपकड़ में लगी हुई है। उन्होंने बताया कि आज बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान जफर उर्म रमन कालिया को गिरफ्तार किया गया है। इस पर कई लूट के मुकदमे दर्ज है। इसके अलावा ये काफी बड़ा गौतस्कर है। इसके ऊपर गोक्षी के कई मुकदमे दर्ज है। रमन कालिया पर 20,000 का इनाम घोषित था। वही दूसरी मुठभेड़ कैंट थाना क्षेत्र के निकटिया में हुई, जहां कार सवार दो बदमाशों को जब पुलिस ने रोका तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और भागने लगे, जिसके बाद जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने भी बदमाशों पर गोली चलाई, जिसमें 15,000 के इनामी विजय सैनी के पैर में गोली लगी है, जबकि उसका दूसरा साथी भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने उसे भी जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। विजय पर भी लूट और रंगदारी के कई मुकदमे दर्ज है। बाइट अभिनंदन सिंह, एसपी सिटी। मुठभेड़ हुई है क्या? पूरा मामला दो मुठभेड़ हुई है चंद घंटों के भीतर, किस तरीके से देख रहे हैं और बदमाशों का जो क्लीन ऑपरेशन क्लीन है वो किस तरीके से चल रहा है? देखिए, लगातार बरेली पुलिस अपराधियों की धरपकड़ कर रही है और एक तरीके से हम लोग ऑपरेशन क्लीन जो चला रहे हैं उसमें लगातार हम लोगों की मुठभेड़ हो रही है अपराधियों से, और उसी क्रम में आज दो पुलिस मुठभेड़ हुई हैं, जिसमें से कि अभी बिल्कुल जो लेटेस्ट हुई है वो एक जफर उर्फ रमन कालिया नाम का अपराधी है, जो कि कई सारी ये लूट की घटनाओं में भी वांछित है। उसके अलावा ये बहुत बड़ा गोकशी करने वाला अपराधी है और कई थानों में गोकशी के मुकदमे से खिलाफ़ लिखे हुए हैं। और इज्जत नगर थाना में एक घटना इसने करी थी, जहां पर एक लड़की और एक लड़का दोनों लोग रेस्टोरेंट से खाना खाकर वापस आ रहे थे, तो उनके साथ इसने मारपीट करके उनको लूटा था। लगातार पुलिस इसके पीछे थी और आज हम लोगों ने मुखबिर की सूचना पर इसको पकड़ने के प्रयास किया, उस दौरान इसने भी फायरिंग की और उस दौरान पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हुई, जिसमें इसको गोली लगी और इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इसका उपचार चल रहा है। कैंट में भी एक ऐसा प्रकरण आया था जिसमें कि कुछ अपराधियों ने एक व्यापारी को सरेआम धमकी दी थी, वहाँ उसके ऊपर तमंचा ताना था। और ये सभी अपराधी जो हैं, इनकी काफ़ी लंबी चौड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है और ये सभी काफ़ी बेखौफ अपराधी हैं, और आज हम लोगों ने उसमें से एक अपराधी, उसको भी हम लोगों ने विजय सैनी करके उसका नाम है, और उसको भी हम लोगों ने पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस एक्शन में उसे भी गोली लगी और उसका भी उपचार जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। तो लगातार एक तरीके से हम लोग बिल्कुल हाई एक्शन मोड में हैं और अपराधियों के प्रति कोई भी नरमी नहीं बरती जा रही है और बिल्कुल इन लोगों के साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।